The situation has gotten worse, Mr. Prime Minister. They are gradually trying to take over Kargil. यदि भारत माता के चरणों में लहू बहाकर ही आगे जाना है तो मैं इस पद को ग्रहण करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हूं। एक हिंदुस्तानी को कश्मीर जाने के लिए परमिट चाहिए, वहां तिरंगा फहराना बाद है। अखिल भारतीय जनसंघ एवं ये पूरा देश धारा 370 का विरोध करता है। जनसंघ की आवाज देश तक पहुंचाने के लिए हमें संसद तक पहुंचना होगा। बलरामपुर, मैं आपसे आपकी निराशा, दुख, डर, ये सब आपसे छीनने आया। लोकसभा में पहली बार चुन के आया हूं। 505 सदस्यों की लोकसभा, जिनमें 403 कांग्रेस और उनके साथी, 102 प्रतिपक्ष, उसमें हम भारतीय जनसंघ के 4। और हम आशा करते हैं कि आज हमें बैलगाड़ी में आता देख सरकार ये देख पाएगी कि देश में गरीबी इस समय किस अवस्था में है। इस कांग्रेस को हटाना है, इंदिरा राज खत्म करना है। दलों के इस दलदल के बीच एक कमल खिलाना होगा। नमस्कार, मेरा नाम सुषमा स्वराज है। अरुण जेटली। मैं प्रमोद महाजन। आप सभी का भारतीय जनता पार्टी में हार्दिक स्वागत है। जनाब, आप कुंवारे हैं, हम आपसे शादी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें मुदिखाई में कश्मीर चाहिए। मैं भी आपसे शादी करने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे दहेज में पूरा पाकिस्तान चाहिए। यहाँ नेहरू जी की पोर्ट्रेट हुआ करती थी। वो आपके विपक्षी नेता थे तो? विपक्षी तो हम थे, वो देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। जी, आप लगवाइए उनकी पोर्ट्रेट यहाँ। जी, हमें आज जरा भी दुख नहीं है कि एक वोट से हमारी सरकार गिर गई। सत्ता का खेल चलता रहेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, पर ये देश रहना चाहिए। सर, मुशर्रफ इज थ्रेटनिंग विद अ न्यूक्लियर अटैक। यदि ऐसा हुआ तो कल का सूर्योदय पड़ोसी मुल्क का सूर्यास्त होगा।